रुको, कौन था वो? कौन, किसकी बात कर रहे भाईजान आप? वही जो तुम्हें इस घर तक छोड़ने के लिए आया है। और ये क्या था, तुम गले कैसे मिल रही थी उससे? माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी होने दी है कभी? इतना तो प्यार किया है तुम्हें, इतना लाड़ दिया, और तुमने उसका ये सिला दिया मुझे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाईजान, हम विक्रम से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं। बेशरम, बस जुबानी करती अपने बड़े भाईजान से। भाईजान, आप ही बड़े हो, आप ही सब कुछ हो हमारा। अम्मी अब्दू के बाद आपने हमें पाला है, पर हम विक्रम से बहुत प्यार करते हैं। अगर हमारा निकाह विक्रम से नहीं हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। ये हया, मुझे शर्म नहीं आ रही, किसी और गैर मजहब के बड़े प्यार के लिए मुझसे जवान लड़ा रही है। भाईजान, मानती हूँ उनकी कौम अलग है, पर वो बहुत अच्छे इंसान है। अपनी इस बेहयाई जबान को बंद कर और अंदर जा। माँ जी, आप प्लीज सुनो ना, भाई जान आपको दुश्मन तो नहीं है, उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा। तो जाए आपसे, मुझे अकेले रहना। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। तो जाए आपसे। भाई जान, ये आपकी ब्लैक टी। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, गुलनाज ने खाना खाया? नहीं खाया। खाया गुलनाज? गुलनाज जी भाईजान। अच्छा गुलनाज, सुनो, कल विक्रम को नाश्ते पर बुला लो, जरा हम भी तो मिले और देखें कि जिसने हमारी इतने बरसों के प्यार को अपने प्यार के आगे झुकने में मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं है भाईजान। मजाक कर रहा था, और वैसे भी अपनी प्यारी बहन से मजाक नहीं कर सकता। विक्रम को बुलाओ, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है भाईजान, मैं अभी कॉल कर देती। हेलो विक्यू, कैसे हो? अच्छा हुआ तुमने कॉल की, बस तुम्हें याद करना था। वैसे आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, वो खुशी की तो बात ही है। ओके, बताओ तो सही, हुआ क्या? अरे हुआ ये, भाईजान ने आपको ना सुबह चाय पे बुलाया है। क्या, भाईजान ने मुझे बुलाया? सॉरी मैडम, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरा ना जनाजा उठाने आ जाना। अरे बाबा, मजाक कर रहा था, खुद ऐसा फिर कभी मत बोलना। खुद से पहले तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। I love you जिंदगी। Love you too। अरे गुलनाज, क्या हुआ, विक्रम को इतना नहीं किया था क्या? मैंने भाईजान कर दिया है। अच्छा, इतना टाइम हो गया, अभी तक आया नहीं है। बस आते ही होगे भाईजान। हाँ जाओ, दरवाजा खोलो। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि इसके सामने क्या बात करनी चाहिए, और तुम्हें सही से गार्निश करना भी नहीं आता। सर, हर इंसान का अपना एक लहजा होता है सम्मान करने का, और मैंने सिर्फ आपका सम्मान किया है, कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार तो नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है गुलनाज, तुम अंदर जाओ, मुझे इनसे कुछ अकेले बात करनी है। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने गेम बहुत अच्छा खेला, मेरी भोली वाली बहन को अपने झूठे प्यार के चक्कर में फंसा कर। क्या बात कर रहे सर, मैं गुलनाज से बेनता मोहब्बत करता हूँ। बस बस, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कैसे प्यार करते हो। पहले अपने झूठे प्यार में उन्हें फंसाते हो, तो उसके बाद उसे कत्ल कर देते हो। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं गैर मजहब की लड़की में अपनी बहन को भी आऊंगा? सर, आप ये क्या बात कर रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। अरे मैंने अपनी बहन को इतने लाड़ प्यार से पाला है, और तुम्हें लगा मैं उसका ऐसे निकाह कर दूंगा? अगर तुम्हें मेरी बहन से निकाह करना है तो अपना मजहब छोड़कर हमारा मजहब अपनाना होगा। बोलो, ये कर सकते हो तुम? बस तौसीफ शफी, अगर तुम्हारी इतनी बकवास मैं सुन रहा हूँ तो सिर्फ इसका एक ही कारण है, मैं गुलनाज शफी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये जिस्म का गंदा खेल कौन खेलता है, शायद तुम्हें मालूम ना हो तो तुम्हें इतला कर दूं। साक्षी हत्याकांड किसने किया जानते हो? निकिता पर गोली किसने चलाई? केरला में हत्याकांड हुआ था, कौन था? मैं ये नहीं कहता कि गुनेगारों का कोई मजहब होता है, लेकिन वो थे तो तुम्हारी कौम के, क्योंकि हम सनातनी हैं, और सनातन धर्म में
अतिथि देवो भवा की नीति अपनाई जाती है। अगर दुश्मन भी हमारे दरवाजे पर आता है तो हम उसका अतिथि सत्कार करते हैं। औरतों की इज्जत करना हमें अच्छे से आता है। तो आसिफ साफी, जितने भी गुनाह हुए उन गुनेगारों का अगर नाम मैं गिनाऊं तो वो तुम्हारी कौम के ही निकलेंगे, समझे? और क्या कहा तुमने, प्यार का गंदा खेल? ये गंदा खेल जो खेलते हैं वो तुम्हारी कौम के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी मजहब ये सिखाता है कि हमें औरतों की इज्जत तार-तार करना चाहिए, लेकिन गुनेगार का कोई मजहब नहीं होता। हम सनातनी अपने गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। मैं जानता हूं मजहब इंसानों को बांटने के काम आता है, लेकिन तौसिफ सफी, मैं सनातनी धर्म का सम्मान करता हूं और हमेशा सनातनी धर्म में पैदा हुआ उसमें मरना चाहूंगा। अगर तुम्हारी यही शर्त है कि मुझे गुलनाज सैफी की मोहब्बत के लिए खुद को झुकना पड़ेगा और अपना धर्म परिवर्तन करने से, तो माफ करना तौसिफ सैफी जी, मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। अरे विक्रम बैठो, देखो मुझे माफ करना, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और मैं देखना चाह रहा था कि तुम अपना धर्म बदलते हो नहीं बदलते। और आज अगर तुम अपने मजहब के खिलाफ हो जाते ना तो मेरी नजरों में गिर जाते, लेकिन तुम अपने मजहब के खिलाफ नहीं हुए, ये देखकर तुमने अपनी इज्जत मेरी नजरों में और ऊंची कर ली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी इतनी प्यारी बहन का इख्तियार तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ। गुलनाज, गुलनाज जी भाईजान, मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी प्यारी बहन की चॉइस पर। तुमने एक सही लड़के का इख्तियार किया अपने निकाह के लिए। विक्रम यहाँ आओ। विक्रम, मैं आज अपनी प्यारी बहन का हाथ और साथ में इसकी खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी आंखों में कभी आंसू आने की वजह मत बनना। भैया, आज से गुलनाज की सारी जिम्मेदारी मेरी और इसकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखना। मैंने बहुत लाल प्यार से पाला है भाई, इससे कोई भी गलती या कोई भी खता हो जाए तो आप प्यार से बैठ के से बात करें, ठीक है? और अपने बीच में भी कोई भी गलतफहमी पैदा मत होने दें।